मेरठ से सफर तय करने के बाद हम मुजफ्फरनगर के राणा चौक पहुंच चुके हैं और राणा चौक पे आप देखिए कि तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। देखिए एक और भोले बाबा के अनोखे भक्त हैं, इन अनोखे भक्त से मिलवा देता हूँ आपको। तमाम आपने देखा होगा जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो भगवान शिव का जन्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे शिव भक्त कांवड़िए हैं जो स्वयं भगवान शिव को अपने कांधे पर लेकर जा रहे हैं। भगवान शिव की मूर्ति इन्होंने ले रखी है, गले में भगवान शिव के मुंडों की माला है और इन्हीं से बात कर लेता हूँ। जय भोले की। भोले कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? भोले हरिद्वार से आए, हर की पौड़ी से, और दिल्ली किराड़ी गांव में जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली किराड़ी गांव। अच्छा, सब शिव भक्त कांवड़ी जल ला रहे हैं, आप तो भगवान शिव को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं। सब गंगा जी लेके जाते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं, हम भोले बाबा को ही लिया जिनकी जटाओं में से गंगा आ रही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जिनकी जटाओं में से गंगा, तो भोलेनाथ को लेंगे। हाँ, तो कहाँ ले जाएंगे भोलेनाथ को? किराड़ी गांव में। अच्छा, गांव में ले जाएंगे। हाँ जी। तो कहाँ से सोचा था कि भाई इस तरीके से करना, भगवान शिव की मूर्ति को लेकर? रहे थे मन में विचार आया कि पिछली बार जब मैं आया, जब मैंने झूला कावड़ उठाई थी, हाँ, तो एक भोला ही था, वो शिवलिंग लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई अब की बार, अगली बार भोले को ही कंधे पे बिठा के लाना है। अच्छा, शिवलिंग नहीं, भोले बाबा को ही लाना है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो इस मारे अब की बार भोले बाबा को किराड़ी गांव में लेके जा रहे हैं जी। अच्छा, किराड़ी गांव। बार बार हरिद्वार का दर्शन क्या पता कितने महीने में होते हैं, भोले बाबा के तो अपने मंदिर में रोज ही कर लेंगे जी। अच्छा, मंदिर में स्थापित करा देंगे। हाँ जी, सब जी। अच्छा, मंदिर में स्थापित करा। हाँ जी। विचार कहाँ से आया मन में? बस जी, इससे पिछली बार बताया था, जब वो शिवलिंग लेके जा रहे थे, जब विचार आया था कि भाई ये बंदा शिवलिंग, तो ऐसे तो हमारे भोले बाबा भी कहीं कैसे ना कैसे जा ही सकते हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा, भगवान शिव के देख रहा हूँ यहाँ, ये दो जलहरी बांध रखे, इनमें गंगा जल है। हाँ जी। अच्छा जी जी, ये तो मन की भाव है, चाहे वहाँ पे एक बूंद चढ़ाओ चाहे वहाँ चढ़ाओ, 500 लीटर जल आपके, जल भी जा रहा है और भोले बाबा भी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ले जा रहे हैं तो इन्हें ले जाके हम स्थापित कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, चश्मा भी लगा रखा भोले बाबा को, क्योंकि ये हीरो है और हीरो ही रहते हैं, जैसे खुद हीरो वैसे अपने भक्तों को भी हीरो बनाते हैं, क्योंकि इन लोग की जितनी लीला बताए उतनी कम है, क्योंकि ये जगत को जैसे चलाते, पूरे तीनों लोक के स्वामी है, क्योंकि यही अंत है, यही आरंभ है। बोले चश्मा क्यों लगाया भोले बाबा? क्योंकि ये जैसे खुद हीरो बन के रहते वैसे अपने भक्तों को अपने बच्चे ऐसा प्यार बना के हीरो बना के रखते हैं। आप भी साथ में साथी हैं? हाँ जी। क्या नाम है भोले आप? मनीष नाम है मेरा, मनीष बोला। अच्छा, बोले आपका क्या नाम है? मेरा सहदेव बोला। अच्छा, जॉब आप करते हैं? नहीं जी, मैं बीए सेकंड ईयर में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अच्छा, छात्र हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब महादेव को लेकर चल दिया कि बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लाइफ सेट ही कर देंगे अब तो, पूरे संसार का बेड़ा पार इन्होंने लगा रखा है, क्या हम क्या ही अपने बच्चों का बेड़ा पार नहीं लगाएंगे? वो शंकर भगवान की। बहुत धार्मिकता की बातें करते हैं आप, क्योंकि जैसे ये खुद है वैसे अपने भक्तों को बना के रखते हैं। हाँ। जैसे भोले वैसे इन लोग भक्त भोले होते हैं, जैसे ये सबको सब कुछ दे देते हैं, वैसे इन लोग भक्त भी सबको सब कुछ दे देते हैं। प्यार प्यार मांगोगे तो प्यार देंगे, वैसे होगा तो वैसे, यानी कि जैसे को तैसा। अच्छा, देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं आपके साथ, फोटो भी ले रहे थे, सेल्फी भी ले रहे थे, क्या लग रहा है? मतलब जैसे जिसको कोई अलग चीज दिखती है, जैसे हमें कोई सेलिब्रिटी दिखता है तो हम भाग के उसके पास जाते हैं, कोई अनोखी चीज दिखती है हम खींचते हैं। तो हर कोई तो भोले बाबा को नहीं लेके जा रहा, तो क्या पता अगलों के मन में ये विचार हो कि भोले बाबा को लेके जा रहा, फोटो खींच लो। बस आप इनके साथ ही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है? बिल्कुल अनोखे अंदाज में है, ये अनोखे अंदाज है बिल्कुल। और क्या बताया, भोले बाबा उठा लिए तो बस अपने कैसे अलग अंदाज नहीं होगा, क्योंकि इन लोग की हुकुम, इन लोग के हुकुम के बिना एक पत्ता ही नहीं हिलता, तो ये तो पूरी सृष्टि इन लोग के सहारे पे नाचती है। अच्छा, हाँ जी। डमरम डमडम डमरू बाजरा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कोई मन्नत है मन में? नहीं, कोई मन्नत नहीं जी, अपने कोई मतलब उससे नहीं लाया कि भाई मन में ये चीज है ये मांगनी, नहीं, बस भोले बाबा को घर लेके जाना है, यही जुनून। बिना मांगे सब कुछ लेने वाले हैं, बिना मांगे दिल से क्या मांगोगे, ये खुद बने लेते अपने भक्तों का दिल और मन और सब कुछ अपने आप दे डालते। वो शंकर भगवान की क्या बात है, बोले अंदाज भी अलग है, निराला अंदाज है एकदम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली? 31 में शाम तक अपने घर के आसपास लग जाएंगे। अच्छा, कितने किलोमीटर लगभग बैठता होगा हरिद्वार से? 250 के करीब बैठ जाता है। हाँ जी। अच्छा, कोई छाला कोई दिक्कत नहीं? देखो, अच्छा, हल्के हल्के। अच्छा, आपके तो छाले पड़ रहे हैं थोड़े।
बारिश से हो जाता है। बारिश से हो जाती है। अच्छा, मन में अलग ही आस्था है भगवान जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, युवाओं को कोई और मैसेज देना चाहेंगे कुछ? बस जी यही कहना चाहेंगे कि अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, ये जरूरी है। आज के मॉडर्न एरा में कोई पूजा पाठ करके कोई इतना खुश नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो नई यूथ आ रही है, थोड़ा सा भगवान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अगर मन में कुछ सोचोगे, कुछ मानोगे तो जी सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यही मान के आप भोलेनाथ को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। मतलब तीनों लोगों के स्वामी है, उन्हें कंधे पे बैठा दिया। बिल्कुल जी। इच्छा इच्छा कुछ बड़ी है? बस जी कोई अभी इच्छा नहीं जी, इच्छा होगी उस दिन और बड़ा लेके जाएंगे। अच्छा, और बड़ा लेके उस दिन और बड़ा। अच्छा, भूतों के मालिक भी यही है, पाताल से लेके आसमान से लेके पूरे तीनों लोक में इनका लो डंका बजता है, तो ये अपने भक्तों के लिए तो ऐसी प्यार लुटा लेते हैं। वो शंकर भगवान की जय। तो देखिए भोले बाबा के जो भक्त हैं, कह रहे हैं कि मन में कोई भगवान भोलेनाथ से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भोले से जिसने जो भी मांगा वो उसको मिल जाता है। कह रहे हैं कि गंगा जल लेकर आता था, लेकिन लगा कि भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको लेकर आता हूँ, क्योंकि जो भगवान शिव की जटाओं में गंगा विराजती है, तो इसलिए गंगा जल लेकर ले जाकर क्या करूंगा, भगवान शिव अपने आराध्य को लेकर ही चलता हूँ और दिल्ली जाएंगे पूरी उम्मीद और पूरी आस्था के साथ। यहाँ शिव भक्त कांवड़िए इसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बम बोल के जो दोष है, एक बार भोले बाबा को दोष ये है। और इसी तरीके से शिव भक्त कांवड़िए शिवालयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भोले बाबा साथ हैं तो फिर किस बात की बात है। आगे और चलूंगा अपने इसी सफर पर और देखूंगा कि कांवड़ मार्ग पर और क्या क्या रंग है, भोले के जो भक्त है वो किस तरीके से कांवड़ियों के संग है और किस उम्मीद और किस आस्था और किस विश्वास के साथ ये शिव भक्त कांवड़िए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।